शौर्य और अनोखी कहानी में इस बार शौर्य बड़ी महफिल में करने वाला अनोखी को प्रपोज दिया। माँ को बता दें बस शौर्य अनोखी को प्रपोज तो करेगा और साथ ही साथ यही भी कहता नजर आएगा कि मैं अनोखी से बहुत प्यार करता हूँ और अनोखी मेरी जिंदगी है। लेकिन इस पर कहानी में लगने वाला है बड़ा तड़का और ये सारी बातें आखिरकार सुन लेगी देवी, और देवी जैसी शौर्य से ये सारी बातें सुनेगी तो उसे लग जाएगा बड़ा झटका, जहाँ वो ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और अनोखी को अपने घर में नहीं रहने देगी, क्योंकि देवी जो अनोखी से नफरत करती आ रही है वो इतने समय से कहा अनोखी और शौर्य की शादी करवाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा जब शौर्य खुद देवी यानी बड़ी माँ के सामने ये सारी बातें कहेगा तो क्या करने वाली देवी, क्या फैसला होगा उनका, ये जानने के लिए बन रही है हमारे साथ। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।